उड़ता ताबूत के नाम से पहचाने जाने वाला MiG-21 विमान एक बार फिर से एयरफोर्स के एक पायलट के लिए जानलेवा साबित हुआ है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पास एक फाइटर जेट विमान क्रैश हुआ। MiG-21 विमान ने पंजाब के पठानकोट से दोपहर करीब 1 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन हिमाचल के कांगड़ा जिले के पास दोपहर करीब 1:30 बजे पट्टा जातिया गाँव में ये क्रैश हो गया। हमेशा की तरह MiG-21 विमान के क्रैश के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे के बाद से MiG-21 का पायलट लापता था, लेकिन कुछ देर की तलाश के बाद ही पायलट का शव बरामद कर लिया गया। ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई मिग विमान क्रैश हुआ है। साल 1963 था जब भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले लड़ाकू विमान MiG-21 को भारत ने रूस से खरीदा था। आंकड़े बताते हैं कि खरीदे गए 872 मिग विमानों में से आधे से अधिक यानी 483 विमान किसी न किसी तकनीकी खराबी के कारण हादसे का शिकार हो चुके हैं, और इन विमान हादसों में 200 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी वजह से इन विमानों को धीरे धीरे वायुसेना से हटाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।